गाइस आप लोग कैसे हो और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है एनएस एडिट। तो गाइस आज की डेट बहुत ही खास होने लगा है, तो जल्दी से कर दे इसको लाइक कमेंट करके बताया इस वीडियो कैसे लगा आप लोग को क्वेश्चन मार गया जिससे गाइस तो लोग देखोगा इस फोटो को। तो बहुत दिन से इंस्टाग्राम पे वायरल होता गाइस, ट्रेंडिंग पे चला था गाइस, मैं सोचा इसके ऊपर एडिट किया जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में मतलब जितना भी बैकग्राउंड स्टॉक यूज़ किया जाएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा है, अब वहाँ से डाउनलोड कीजिए और एडिट कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के साथ। चलिए, अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं है जाके फॉलो कर यार, वहाँ पे भी टिप्स एंड ट्रिक डालता रहता हूँ। और इस चैनल को देख लो तो सब्सक्राइब करो यार। तो चलिए लाइटरूम पे, तो लाइटरूम पे जाने के बाद आप लोग को फोटो ऐड करना। तो गाइस मैं पहले उसको ऐड करके रखा, तो उसके बाद आप लोग को ओपन करना सिंपली। तो फ्रेंड ओपन होने के बाद आप लोग को सबसे पहले तो एक्सपोजर को आप लोग को कुछ इतना रखना है, कंट्रास्ट को आप इतना रख लेंगे, फुल रखेंगे और हाईलाइट्स को थोड़ा कम रख लेंगे और शैडो को इतना और वाइट को अपन कुछ इतना और ब्लैक्स को इतना रख लेंगे। इतना होने के बाद आप लोग को जाना है कलर पे जाने के बाद आप लोग मिक्स में जाना है और इसका लेमनस को थोड़ा सा हाई कर लेना है और सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेना है। और उसके बाद आप लोग को इसको सैचुरेशन को लेमनस का थोड़ा कम कर लेंगे। उसके बाद अपन येलो कलर को ह्यू को इतना रख लेंगे और सैचुरेशन को थोड़ा अपन इतना रख लेंगे, फुल कर लेंगे ह्यू को और सैचुरेशन को इतना रख लेंगे और लेमनस को थोड़ा अपन इतना। उसके बाद आप लोग को जाना है ग्रीन कलर पे, ग्रीन कलर का ह्यू को अपन इतना रख लेंगे और लेमनस को अपन इतना कर लेंगे, सैचुरेशन का थोड़ा कम कर लेंगे। उसके बाद अपन इस वाले कलर पे आ जाते हैं और इतना रख लेंगे अपन, सैचुरेशन को थोड़ा सा हाई कर लेंगे और लेमनस को अपन इतना। उसके बाद अपन इसको इतना रख लेंगे और इसको भी थोड़ा इसको इतना। तो गाइस इतना होने के बाद देख सकते हो गाइस फोटो में कुछ अलग ही लुक आने लगा। तो अपन कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद अपन इसको टेम्परेचर को इतना रख लेना गाइस, 2-2 पर रख लेना। उसके बाद आप लोग को इसको इतना रख लेंगे, वाइब्रेंस को थोड़ा हाई रख लेंगे इतना और सैचुरेशन को थोड़ा इतना रख लेंगे। तो गाइस अपन यहाँ जाके इसको थोड़ा कम कर लेंगे। तो गाइस इतना होने के बाद आप लोग को इस पे आ जाना है उस और इतना रख लेना है और कुछ इस तरह से इतना। तो फ्रेंड इतना होने के बाद अपन अगले तुल पे मूव करते हैं। तो अपन इस तरह इसमें आ जाते हैं, सार्विन को थोड़ा बढ़ा देना है और मैस्किंग को थोड़ा और नॉइज रिएक्शन को भी थोड़ा सा हाई कर लेंगे और कंट्रास्ट को भी इतना कर लेंगे अपन और कलर नॉइज रिएक्शन। और इतना होने के बाद आप लोग को यहाँ से फोटो कर लेना है सेव। तो अपन बाकी काम पिक्सआर्ट में करेंगे अपन, तो यहाँ से चलते हैं अपन पिक्सआर्ट पे। तो गाइस अपना फोटो सेव होने के बाद अपन पिक्सआर्ट को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस पिक्सआर्ट में आ जाने के बाद आप लोग को लेंस का पीएनजी लगाना है। तो गाइस लेंस का पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड करना, तो अपन यहां से लेंस का पीएनजी लगा लेते हैं। तो गाइस अपना लाइट आने के बाद आप लोग को कदम स्क्रीन करने के बाद आप लोग को कुछ हिस्सों से यहाँ पे कर लेना है और इसका क्लैरिटी को कम कर, ओपोसिटी को कम करके कुछ हिस्सों से इतना रख लेना है और थोड़ा इसका आप लोग को जाना है ह्यू में और इसका ह्यू को इतना रख लेना है ह्यू को। उसके बाद आप लोग यहाँ से कर देना इसको डन करने के बाद आप लोग को इसको कर देना है। डन करने के बाद गाइस आप लोग को लगाना है एक और पीएनजी गाइस, तो उस पीएनजी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अपन यहाँ से क्वेश्चन मार्क का पीएनजी लगा लेंगे। तो अपन ये रहा क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन तो अपन कुछ इतना रख लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लेंगे।
तो गाइस इतना होने के बाद को यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोग को यहाँ से शैडो क्रिएट करना है। तो अपन यहाँ से कलर पे जाएंगे और ब्राइटनेस में जाएंगे और यहाँ से ब्राइटनेस को अमाउंट को कम कर देंगे और यहाँ से क्लीन करके यहाँ से अपन हार्डनेस को कर देंगे जीरो, मतलब जीरो कर देंगे और क्लियरिटी को इतना और साइज को कुछ इतना रख लेंगे 20 के बाद और यहाँ से अपन शैडो क्रिएट कर लेंगे गाइस कुछ इस तरह से। हाँ तो गाइस यहाँ से वो कर देना है अपना शैडो क्रिएट होने के बाद आप लोग यहाँ से करना है डन। डन करने के बाद आप लोग को एक और पेंच लगाना है तो अपन यहाँ से इसको ना लेंगे और यहाँ से इसका ब्लेंडिंग अमाउंट कर देंगे स्क्रीन और इसको फुल कर देंगे कुछ इस तरह से। और अपन जाएंगे सॉरी गाइस तो अपन यहाँ से कर देंगे इसको इरेज, तो कुछ इस तरह से अपन इरेज कर लेंगे तो कुछ इस तरह से रख लेना है गाइस आप लोग को कुछ इतना रख लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना है, उसके बाद इफेक्ट में जाना है और ब्लर पे जाना है और यहाँ से आप लोग को इस वाले को लगाना है इतना। उसके बाद फैट को अपन कुछ इतना रख लेंगे थोड़ा कर लेंगे इतना तो गाइस फ्रीजर यूज कर लेना तो अपन इसको साइड साइड पे लगा लेंगे इतना कुछ इस तरह से और यहाँ से कर देंगे इसको डन। तो गाइस इतना होने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह सेट कर लेना है। कुछ इस तरह सेट करने के बाद आप लोग को एडजस्ट में जाना है, इसकी क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देना है गाइस। तो इतना कर देंगे क्लियरिटी को इतना और यहाँ से कर देंगे डन। तो गाइस डन करने के बाद देख सकते हो ना फोटो में कुछ अलग ही लुक आने का गाइस। तो उसके बाद आप लोग को इसको यहाँ से कर देना है इसको सेव। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना गाइस, कमेंट करना, शेयर करना गाइस। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।